स्वर्गीय अभिषेक घोसालकर के जन्मदिन पर दहिसर पूर्व विद्या मंदिर हॉल में यूबीटी शिवसेना उपनेता विनोद घोसालकर के मार्गदर्शन में पूर्व नगर सेविका तेजस्वी घोसालकर द्वारा ज्येष्ठ नागरिक सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वर्गीय अभिषेक घोसालकर निरंतर युवा, महिला और ज्येष्ठ नागरिक के साथ मिलकर काम करते थे, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सके, जिसकी वजह से लोगों की जहन में स्वर्गीय अभिषेक घोसालकर की अलग छवि बनी हुई। स्वर्गीय अभिषेक घोसालकर ने बहुत कम समय में जनता के बीच अपनी अलग पहचान बना ली। स्वर्गीय अभिषेक घोसालकर द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी घोसालकर निरंतर प्रयास कर रही हैं। इस ज्येष्ठ नागरिक सत्कार कार्यक्रम में दहिसर विधानसभा के ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में यूबीटी शिवसेना की युवा सेना, महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आपण इथे जमलो आहोत। अभिषेक घोसाळकरांच्या आठवणींना उजाळा देताना नजरेसमोर येतो तो त्यांचा कायम हसरा चेहरा आणि त्याच हसऱ्या चेहऱ्याने लोकांमध्ये जाऊन काम करण्याची उर्मी। अभिषेक जी का आज बर्थडे था और ये हम लोग वैसा तो अभिषेक नगर चौक था वार्ड क्रमांक 1 में, लेकिन दहिसर विधानसभा के क्षेत्र में ज्येष्ठ नागरिकों के लिए उसने काफी काम किया था और उनका बर्थडे हम लोग अलग तरह से हमेशा करते थे, लेकिन आज हम लोगों ने उनकी याद पे ज्येष्ठ नागरिकों को यहाँ बुला के उनका सम्मान करना और वही अभिषेक का सम्मान है ऐसा मैं मानता हूँ।
और आज इस सारे ज्येष्ठ नागरिकों का जो हमें घुसाकर फैमिली के पीछे 40 साल ये लोग हैं, भले कौन सा भी पॉलिटिकल है, लेकिन हमारा रिश्ता, अभिषेक मेरा पुत्र था, लेकिन हर यहाँ आने वाला चाहे ज्येष्ठ नागरिक हो चाहे हमारी महिला हो, वो हमेशा उनको लगता था कि हमारा बेटा है। हमारे जो उस वार्ड में वो काम करता था वहाँ कैथलिक लोग हैं, और कैथलिक लोग तो उनको गले लगाते थे और वो बोलते हमारा बेटा है। तो इतना प्यार उसने जो लोगों से मिलाया उसके लिए उनका एक नेतृत्व था, वो एकदम नेतृत्व वक्तृत्व मैनेजमेंट और डेवलपमेंट उसमें कोई कमी नहीं थी, और लोगों से उनका रिश्ता, कभी भी किसका कुछ प्रॉब्लम है तो अभिषेक सॉल्व करता था। मैं देखा है कि कोरोना में पूरा रात जागता था, कहाँ कहाँ से फोन आते थे और सुबह उनको पूछा अभिषेक क्या हुआ रात को फोन आया था, डैडी एडमिट किया। तो इतना पंक्चुअल लड़का था, और इसके आज बर्थडे हम फैमिली ने सभी ने सोचा बर्थडे को हम लोग मनाएंगे, दुख तो है लेकिन हमारा दुख है, लेकिन हमारे साथ दुख में साथ देने वाले ये जो लोग हैं देशभर के और सारे मुंबई के सारे महाराष्ट्र के, वो जो हादसा हुआ तभी लोगों को इतना बुरा लगा कि सभी, और कोई लोगों ने पॉलिटिक्स नहीं देखा कि शिवसेना वाला है कोई, सारे पार्टी के लोग सारे संत महंत, कौन सा ऐसा पंत नहीं है कि वो हमें आके जो बोलते हैं ना सपोर्ट देने का काम जो किया, और वो सभी ने हमें बताया था कि अभी आप दुख छोड़ के आप अभिषेक का सपना करने के लिए जो आपका काम है वो शुरू करो। तेजू हमारी जो बहू है, तो हमारी लड़की है, वही दिन से सभी लोगों ने उनको कहा कि बेटा अभी आपको घर में नहीं बैठना, और वो अभिषेक के आगे जाके आज काम कर रही है, वो हमारा एक हमारा घुसाकर फैमिली की एक देन है। तो ठीक है, तो जैसा ये लोग हम प्यार से आते हैं तो ये प्यार भी मिलना, ये जो आज का पॉलिटिक्स चला है उसमें इतना प्यार मिलना मुश्किल है, तो हमारे घोषाल को अभी कर अब जो कमाया वो यही कमाया। नहीं तो ये तो हमारे पार्टी की तो डिसीजन ही है, ये दहिसर कौन से डिसीजन है, घोषालपुर फैमिली लड़े तो अभी कोई इधर कोई दूसरा तो कहे महाविकास आघाड़ी है, लेकिन कोई क्लेम करने वाला नहीं है, हमारी सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं ये 5 साल आमदार करके काम किया है, तो ये मैं यहाँ का विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और जीतूंगा। आज अभिषेक घोसालकर का जन्मदिन है, उस मौके में सुबह में हम लोगों ने जैसे अभिषेक प्रोग्राम लेते थे हर एक, मतलब डैडी का प्रोग्राम होने दो, मेरा प्रोग्राम होने दो, किसी के घर का प्रोग्राम होने दो, हर एक सामाजिक कार्य करते थे, उसी तरह आज हम लोगों ने लिया था। आज सुबह देखोगे तो हम लोगों ने ट्री प्लांटेशन कर लिया था, बाद में हम लोगों ने भगवती हॉस्पिटल में जाके फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, अभी ज्येष्ठ नागरिक का मतलब सीनियर सिटीजन का हम लोगों ने सत्कार किया है। एक जो अभिषेक का सपना है वो हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभिषेक भाई की खासियत रहती थी, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, या बूढ़ा हो, या युवा हो, सबके लिए हमेशा कार्यरत रहते थे, चाहे वार्ड नंबर 1 हो, चाहे वार्ड नंबर 2। किस तरह से अविरत आप लोग काम करते रहेंगे? वैसे ही हम लोग अविरत काम करते रहेंगे, क्योंकि
जैसे कि मैंने बोला कि हम युवा सेना ने ये फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन का आज कार्यक्रम लिया था, तो एक यंग जनरेशन भी आगे आ रही है, उनको भी पता चल रहा है कि आगे आके ये समाज कार्य करना चाहिए, क्योंकि राजकारण तो बहुत हो गया, अभी कंटाल गए सब लोग, अभी समाज कार्य करें। थैंक यू।